नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस ऐसी कोई गलती नहीं छोड़ना चाहती जो मतदान के दौरान मुसीबत बने। जिले में जिन लोगों ने शांति भंग से खतरा है, लोकसभा चुनाव में ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग व्यवधान पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसके मद्देनजर पुलिस ने इन लोगों को मुचलके पर पाबंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत 2 माह में 15,000 से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है। इन पर पुलिस अलग से नजर रखी है। जिले की आबादी करीब 54 लाख है, जबकि 39 लाख से अधिक मतदाता है। इतनी बड़ी आबादी में हजारों शरारती ऐसे हैं जिनसे चुनाव के दौरान प्रशासन को खतरा है, जिसमें 700 हिस्ट्री सीटर, 201 गुंडे, करीब 650 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी, लगभग 225 जिला बदर किया गया है। इन खुराफातियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस ने सूचीबद्ध कर लिया है। पुराने मुचलके और मुकदमों के आधार पर जिले में प्रत्येक थाने में ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है। थानेदार, दरोगा और सिपाहियों की बीट स्तर पर सत्यापन कराया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को मुचलका पाबंद की नोटिस भेजने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर पुलिस की सीधी नजर है। एएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि विगत 2 माह में पुलिस द्वारा लगभग 80 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और 127 लोगों को गुंडा एक्ट में पाबंद किया गया है। लगभग 15,000 लोगों को पाबंद किया गया है। लगभग हम लोग 80 गैंगस्टर पिछले 2 महीनों में कर चुके हैं और 127 गुंडा की कार्रवाई कर चुके हैं। लगभग 15,000 से अधिक व्यक्तियों को पिछले 2.5 महीनों में पाबंद किया जा चुका है। बाकी प्रक्रिया सब चालू है और आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दिनों में इसमें और प्रभावित रूप से पिछले 3 दिनों में आचार संहिता लागू होने के पश्चात एसएसटी टीम द्वारा और थाना की टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब और गांजे की बरामदगी की गई है, जिसमें एक मुकदमाधारी में 10 किलो गांजा के संबंध में पंजीकृत किया गया है, 20 लीटर शराब के संबंध में पंजीकृत किया गया है और कई मुकदमे के संबंध में पंजीकृत। नकदी की बरामदगी वर्तमान में नहीं है और बाकी गांजा और शराब की बरामदगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।